अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं और कौम की आवाज़ बन रहे हैं, आप अगर चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दिया है उस एतबार से आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को रात में 9:30 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है जिसको आप पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में देखते हैं। तो आज रात में जो बयान होगा उस बयान का अहम उनवान है कि इस खतरनाक चैलेंजिंग दौर में, इस फितने के दौर में अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें। खासतौर से यूं समझिए कि 5 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक या टीन एज तक बड़ा अजीब दौर होता है और शैतानों ने पूरा नेटवर्क फैला दिया है नस्लों को तबाही का और नस्लों के ईमान को छीनने का। अब माँ बाप तरबियत कैसे करें, पेरेंट्स तरबियत कैसे करें, बड़ा अहम बयान होगा रात में पूरी फैमिली के साथ 9:30 बजे इसी चैनल पर। आप बयान को ज़रूर सुनिए और इसकी दावत को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अच्छी बात को शेयर करना भी नेकी है, सदका है। पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ईरान को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान का जो जौहरी मुआहदा है न्यूक्लियाई हथियारों और बमों के बनाने को लेकर, जो ईरान का मामला है इसको लेकर इजराइल और मगरबी कंट्रीज पूरी तरीके से ईरान को प्रेशर और दबाव में डालकर और अक्वामे मुत्तहदा और अमेरिका को प्रेशर और दबाव में डालकर ईरान को जौहरी मुआहदे से रोकना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी और ताकतवर बने। लेकिन आइए, बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मगरिब वेस्टर्न कंट्रीज बहरान पैदा कर रहे हैं, दुश्मनियां फैला रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। और साफ तौर से उन्होंने कहा, ईरानी प्रेसिडेंट ने, इब्राहिम रईसी ने, कि हमने जौहरी मुज़ाकरात की मेज नहीं छोड़ी, यानी हम बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
आइना जिस वक्त बड़ी खबर आ रही है इसराइल के आतंकवाद को लेकर। आप जानते हैं कि मैं लगातार इसराइल के टेररिज्म और इसराइल के आतंकवाद को बयान करता रहता हूं, और मुझे अफसोस है इस बात का कि जैसे हमारे यहाँ गोदी मीडिया है, वैसे इंटरनेशनल भी गोदी मीडिया है जो इसराइल के टेररिज्म को, दहशतगर्दी को नहीं बताती है कि इसराइल किस तरीके से मजलूम फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और किस तरह इसराइल मासूम दूध पीते बच्चों पर भी गोलियां चलाता है। खैर आइए, मैं लगातार फलस्तीन के हालात भी आप तक पहुंचाता रहता हूं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अल जजीरा की। एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, एक सहाफी जो इसराइल की गोली का शिकार हुई, इसराइल की गोली से मारी गई, अब खबरें आ रही है कि इस अल जजीरा की मकतूला सहाफी के घर वालों ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात की है। जी हाँ, अमरीका अब्बा है ना इसराइल का, तो अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात जरूरी है। और अमरीका अगर अपने आप को पूरी दुनिया में जहां भी कहीं माहौल खराब होता है तो अमरीका सालिसी बनकर कयाम अमन की बात करता है, कोशिशें करता है, तो अमरीका को यह देखना चाहिए कि उसका पैदा किया हुआ नाजायज बच्चा इसराइल किस तरीके से मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म करता है और किस तरीके से इसराइल अलग अलग अंदाज में टेररिज्म और आतंकवाद की हरकतें करता रहता है। अल जजीरा की मकतूला सहाफी भी ये क्लियर हो चुका है कि इजरायली आतंकी सिपाही की गोली से मरी है, उसका मर्डर और कत्ल हुआ है। तो खैर अभी खबरें आ रही है कि मकतूला के अबू आकिला मकतूला के घर वालों ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात की है और उस मुलाकात की वीडियो ट्विटर पर शेयर भी की है। और मैं आपको बता दूं कि अबू आकिला के अहले खाना ने, खानदान वालों ने अमरीकी वजीर खारजा से कहा कि अबू आकिला के मामले में हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए हमें जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे। और मजीद एक जुमला उन्होंने और ये कहा कि हमारी बेटी अबू आकिला इसराइल के आतंक के खिलाफ और जो भी आतंकी और ना इंसाफी है, अत्याचार है, जुल्म है, इसके खिलाफ हमारी बेटी लड़ती रही, आवाज उठाती रही, रिकॉर्ड करती रही, जुल्म के खिलाफ बोलती रही, तो हम भी अबू आकिला के मामले को लेकर इंसाफ के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। जी हाँ, खबरें हैं कि ब्रिटेन ने, बरतानिया ने मजीद तकरीबन 42 रूसी शख्सियात पर पाबंदियां लगा दी। आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के हालात, उनका वार, उनके जंगी हालात हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं, और रशिया पर दबाव डालने के लिए कई मगरबी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने कदम उठाया है। उसी कदम को लेते हुए बरतानिया ने रशिया की कुछ शख्सियात पर पाबंदी लगा दी थी, और अब फिर खबरें आ रही है कि तकरीबन 42 अफराद पर बरतानिया ने पाबंदियां और लगा दी है। बरतानिया ने यूक्रेन के शहरों लुहांसिक और दूसरे शहरों की तरफ से कुछ तायुनात करदा ओहदेदारान पर, आला अधिकारियों पर, अफसरों पर पाबंदियां आयद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया में 29 इलाकाई गवर्नर्स पर भी पाबंदियां लगाई गई है। बरतानिया की जानिब से मजीद 42 शख्सियात को पाबंदियों की लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिसमें रशिया के वजीर इंसाफ और नायब वजीर इंसाफ भी शामिल है। इसके अलावा बकायदा रूस के एक अरबपति है, रूस के अरबपति है, वो और उनके दो भतीजों पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। खारजा सेक्रेटरी ने इस बात को कहा है कि हम उन तमाम पर्सनलिटीज पर, शख्सियात पर पाबंदियां लगाएंगे जो यूक्रेन में प्यूटिन के जंग की कानूनी मदद कर रहे हैं। आइए, सऊदी अरब से दो अहम खबरें फिलहाल मेरी निगाहों के सामने। पहली बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यूनान के दौरे पर है, और इस दौरे पर उन्होंने वहां के आला हुक्काम से मुलाकात की, और दो तरफा दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी, माशी और सिक्योरिटी, डिफेंस के समझौतों पर बातचीत हुई, और सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि मुआहदे पर, एग्रीमेंट पर सिग्नेचर और दस्तखत भी हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर है कि अब सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवरों के ड्रेस कोड पर
अमल में सख्ती की जा रही है। यानी सऊदी अरब में अब टैक्सी के जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड तय किया जा रहा है और इस पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। आपने कभी आप गए होंगे उमरा या हज के लिए तो आपने देखा होगा कि वहाँ टैक्सी ड्राइवरों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है और आमतौर से जो आम शहरी हैं वो भी खाली खड़े रहते हैं और यूं समझे कि तिजारत बिजनेस धंधा करना शुरू कर देते हैं और जायरीन और आमिरीन को यहाँ से वहाँ होटलों तक पहुँचाने का काम करते हैं लेकिन वो लीगली नहीं होते हैं। तो अब सऊदी अरब ने बाकायदा इस बात को तय कर लिया है कि जो लीगली कानूनी तौर पर ड्राइवर्स है रजिस्टर्ड है उनका ड्रेस कोड होगा और उस पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। आइना इस वक्त आखिरी बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट सदर जो बाइडन आज से 5 दिन पहले हमने खबर बताई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी रिपोर्ट मजबूत आई है, पॉजिटिव आई है, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने इस बात का ऐलान किया है, तस्दीक किया है कि जो बाइडन कोरोना की तमाम अलामत से तकरीबन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता कल व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन कोरोना की तकरीबन तमाम अलामात से सेहतयाब हो चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की वर्जिशें कामकाज दोबारा शुरू करने के काबिल हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।